अरे जिंदा हो, मूड हेलो। मटका रहा हो? नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और आज जा रहे हैं भाई साहब खाद लेके, हम लोग खाद डालने के लिए, जिसमें से मात्र 12 बोरी अपनी है और बाकी है संकेत महाराज की। और एक ट्रैक्टर संकेत महाराज का पहले ही निकल गया है खाद लेके, और जो एक बहुत बड़ा गड्ढा आता है ना पानी भरा हुआ, उसमें उनका ट्रैक्टर फंस भी गया है। तो अपन ने जंजीरें मंगवाई हैं, जो अपन लेके जंजीरें राजेश लेके आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। तो उसमें से पहले उनके ट्रैक्टर को पीछे खींच के निकालना पड़ेगा, फिर वो रिवर्स जाएगा, फिर आगे से अपना जाएगा, तब निकलेगा। तो चलो दिखाते हैं। और इसमें हमने यूरिया लिया है, डीएपी लिया है और थोड़ा सा ह्यूमिक एसिड। बने रहना आखिरी तक। और सामने देखो कल के धुरंधर खड़े हैं, महारथी, जिन्होंने जो कल वाला कांड किया था ना, इसका श्रेय इन दोनों को ही जाता है। और अपनी ट्राली लगाने के पहले हिचूची कर लेना, हिचूची कर लेना हिच, नहीं तो यही फंस जाएगा। भाई सब अभी जा रहे हैं ट्रैक्टर नीचे, ट्राली इसमें से निकाल दिए, तो पहले उसको खींच के बाहर निकालेंगे, क्योंकि रास्ते में खड़ा हुआ है वो। हमारी लम्बाई नहीं मानी, कहने लगे कि हमारी लेबर खड़ी है, तो बैठी है और अब लेबर इनकी खड़ी है, टाइम पास कर रही है। पहले अम्मा बैठी थी, आ रही थी, आधा घंटा के चक्कर में ओला का फंसा के बैठ गए। बताओ महाराज, कुछ कहना चाहोगे? यार डायनासोर है, कोई खाट डल पा रहा है? डायनासोर नहीं तो मैं उसके लिए खाट डल पा रहा। और अब देखते हैं, कल सरपंच साहब को भी जो ही हाल हुआ था, तो कितनी खतरनाक रास्ता हो रखी है। सामने है ट्रैक्टर, अरे गड्ढे को उस पार है। ये फंसी है ट्राली, इसको खींच के लेके जाना वहीं तक। टोचन बाप बोरी में छोटी वाली जाए, छोटी पड़ जाएगी दादा। ये है महाराज का ट्रैक्टर, 1735। आगे से भी देखो दड़ी रखा गई है महाराज, ये और पीछे से भी। तो भाई साहब सांकर बांध दी है और अब खींचेंगे इसको और सब लोग धक्का मारेंगे, तब जाके निकलेगा। ताकत से मानना और ऐसे दिखाने के लिए मत मानना है। चलो चालू करो पूरन दादा। हाँ हो गया, करो चालू, आओ खींचो।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत ही शानदार प्रदर्शन 4x4 का। ये डबल ले गया, बड़े गड्ढे में से भी ले गया। बहुत ही शानदार। अरे जान दो जाए पीछे कर देंगे। ज्यादा एफर्ट लगाने नहीं पड़ा, ऐसे ही निकल गया। बहुत शानदार यार, खतरनाक रास्ता है ये तो। तो भाई साहब रास्ता बहुत खराब है, वहां से जहां तक पैदल आए हैं वो वहां पेड़ के पास से बैंड बज गई। मेरे जूते जो है बिल्कुल कोने तक नोक तक लपट चुके हैं, इन लोगों ने घुसवा दिया मेरे को, कहले निकल जाओ बीच में से, और फंस गया। देखो ऊपर तक यहाँ से ऐसी हाल है। और अब वो ट्राली बदल रहे हैं वहाँ पे, और ट्राली लगा के ये वाले ट्रैक्टर करेंगे पीछे और अपना नोवो आएगा आगे। बिठा लो सरपंच साहब बिठा लो। तो भाई साहब फाइनली दोनों ट्रैक्टरों को जोड़ लिया रेलगाड़ी की तरह, सबसे आगे नोवो है उसके पीछे स्वराज है, दोनों में ट्रालियाँ लगी हैं और टोचन बांध के खींच के ले जाएंगे वहीं से। और ट्रैक्टर आ रहा है, हम बीच में खड़े हैं पैदल चलने की तक मतलब कीचड़ की वजह से हम ये रुक गए थे कि अभी यहीं से ट्रैक्टर में बैठ के जाएंगे। तो वो ट्रैक्टर आ रहा है, आपको दिखाते हैं। अरे ट्राली में जाओ, मरवे का फिर आए काहे का भाई साहब, यहाँ से ट्रैक्टर हम चलाएंगे। अरे यार सरपंच साहब तुम टांग बसाइड करो, दो टांग बीच में फंसा लो। अरे जाके टांग बसाइड करो, हाँ जो टांग थे करो जल्दी भर के अंडमान निकोबार बचा के। चल लिए भैया एक बार फिर से, सबसे आगे नोवो और उसके पीछे स्वराज 35, उसमें भी ट्राली, उसमें भी ट्राली हो, बहुत सारी पब्लिक। थोड़ी सी पटली ऊंची कर लो, तो गैप है ना वहाँ में थोड़ा सा। टोचन कितनी लंबी है, टोचन बाकी और जाए कितनी लंबी है। ट्राली उलट जाएगी।
अरे पीछे देखना है तुम्हें, सिग्नल देने कांटे वाले लोगों जो देखियो जाए, नहीं तो बस इंजेक्शन लग जाए। बंद करने की बजाय गियर मत डाल रही हो तुम, नहीं तो बस। तो खेत पे आ गए हैं, 12 बोरी यहाँ पे उतारेंगे। और तुम धीरे का चला रहे थे यार? अच्छा ढीली चल रही थी। अरे लोड पड़ रहा था यार, जब गुरु काटा जा रहा था वो बीच बीच में जगह जगह पे मैंने बहुत धक्का लगा हमारे बात देख रहे थे, पहिए स्लिप मार रहे हैं। कौन से हाई में चला रहे थे, लो में चला रहे थे? ओ यूमिक का वो डब्बा। चलो एक बार फिर से बड़ा बोलो, ठीक है दादा? एक बार फिर से यहाँ पे 12 बजे उतार के हम जा रहे हैं गंगे नारा जी गेट पे। इतना खास बचे नया प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। वो कांटे वाले आ रहे हैं, कांटे वाले जान लो कहाँ से कहाँ निकलो, जब साइड तो वह साइड निकल रहा। खोल देते टोचन भाई साहब, लोगों की इसके लिए आया, दोनों को इतनी सारी और इतना खराब आता था, अगर ये ट्रैक्टर नहीं होता ना तो आ नहीं सकते थे। बहुत दम है 4x4 में। और अब क्या कर रहे हैं, इसमें जो इसका मंगलसूत्र बंधा है इसको खोल लेते हैं। कैसी रही महाराज? भैया परेशान बहुत हो गए, लेकिन दोस्तों से मेरे एक निवेदन है, लाइक और सब्सक्राइब कर दो। बहुत मेहनत हो गई। तो ये वाला ट्रैक्टर जाएगा कहाँ पे, वो पुलिया के उस पार, वहाँ पे डालने के लिए। और अपन जो है अपन भी लेके चलेंगे इसमें, क्योंकि ये खाद भी उनका ही है। ऐसे कोई अर्जुन में बोलता है ना, मुझे बुरा लगता है। डायनासोर ही बोला था, डायनासोर, अर्जुन नोवो मत बोला करो इसको, डायनासोर बोला करो। पता है हमारा कैच व्हील नहीं लगाने थे। दोनों ट्रैक्टर आ गए खाद लेके, एक ये है एक ये है। नहर पे आके टोचन खोल दी थी, ये खेत है जिसमें डलना है।
निकल गई। भाई साहब बहुत जम के कमाल हो गया है और दोनों ही ट्रैक्टरों को नीचे अपन ने मुड़का लिया है। पहले सोच रहे थे कि पुलिया पे ले जाना पड़ेगा मोड़ने के लिए, लेकिन नहीं, मैंने इसको मोड़ दिया। ये काफ़ी भारी भरकम बड़ा है, आगे बढ़ाओ ना। ये देख लो, ये देसी ड्राइवर हो, इनसे ट्रैक्टर नहीं चल रहा, अकेला कैसे चलाऊँ। अरे वो डंडा यहाँ के करो, क्लच दबा के, क्लच दबा के, हाँ चल रहा कि ट्रैक्टर ही नहीं बढ़ रहा आगे, बताओ। ऐसे ऐसे ड्राइवर पड़े हैं। ये वाला डायनासोर, ये घोड़ा, तेरा मन तो ये हो रहा कि मैं है ना इसका मतलब आ गए यहाँ पे, एक मैं बेहतरीन एक रेडियम की नेम प्लेट बनवा के लाऊं इसके, यहाँ पे बढ़िया डायनासोर लिखवा, डायनासोर लिखवा, काम ही डायनासोर वाले करें। तो महाराज ने इसका नामकरण कर दिया डायनासोर, क्योंकि भरी हुई ट्राली उसको खींच के ले गया रिवर्स और फिर खींच के लेके भी आ गया। 25 और 12 37 बोरी, 25 12 और फिर इसकी लगभग 70-75 बोरी ला सकते थे अपन। गलती कर दी, उस ट्रैक्टर को लेके ही नहीं आया, लेके ही नहीं आना था, सारी इसी में जाती। ये खाद मिला रहे हैं और इसमें छिड़काव होगा, और अपना खाद वहाँ पे मिला चुका होगा, अरुण को दे दिया था और अपने आदमी वहीं पे। तो भाई साहब हम आ गए हैं खेत पे जहाँ पे खाद डलना शुरू हो गया। क्या है, कहाँ है वो? और तेरी की कैसे बैठ रहे, जो दिखा तक नहीं रहा। देखो भैया गोयरा, ये है मोनिटर लिजार्ड। इन दिनों में ये सब चीज़ें मिलना आम बात है खेतों पे, सांप गोरे मरा होगा। अरे जिंदा हो, मूड मटका रहा हो, और काफ़ी बड़ा है। इसके प्रति पता क्या भ्रांति फैली हुई है कि ये बहुत जहरीला होता है, और भग गया वो, भग गया, पत्थर पत्थर मारा क्या? नहीं मारा। अच्छा चमक के भग गया वो। अच्छा वो ताव में बैठा था कि ये लोग इधर उधर हों और मैं भग लूँ। तो मैं ये कह रहा था कि जो सबसे पहले अपने इधर निकला था ना बड़ा सा, तो उस वक्त जो सर्प विशेषज्ञ आया था पकड़ने, तो उसने बताया था कि ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है, लेकिन चूंकि ये ना सड़े गले मांस के टुकड़े है ना, जैसे मछलियाँ वछलियाँ, तो ये सड़ी गली चीज़ें खाते हैं, तो उसके कारण इनके मुंह में, उनकी लार में बहुत ही भयंकर किस्म का इन्फेक्शन फैलाने वाले तत्व होते हैं, या फिर एंजाइम्स होते हैं, जो भी होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, अगर वैसे तो ये काटते नहीं है, अगर ये काट लेते हैं को, ज़्यादातर जो काटने केसेस आते हैं वो आते हैं किसको, जानवरों को, है ना, कुत्ते ढोर बैल गैया। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे इन्फेक्शन फैल जाता है उस जगह से, और वो जगह सड़ने लगती है, ये कारण होता है, बाकी और कोई कारण नहीं है। वैसे सांप बाप की तरह वेनमस नहीं होता है। अब ये कट बंद करवाने पड़ेंगे, यहाँ पे पानी भरा हुआ था ना, तो इतनी धान खराब हो गई। अभी जो दिख रही है हल्की हल्की पीली, खाद डलने के बाद ये पूरी पूरी एक नंबर हो जाएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी अपने को। वो पैकेट मिला लिया था, कितनी बोरे में कितना मिलाया है? अच्छा वो इकट्ठा पूरे में मिला लिया, हाँ पे ठीक है। अरे नहीं आओ यार मामा, तुम कैसे पकड़ा गए हो? अब वो इस तरफ से आया था, तू आओ तो वही फेंक रहा, इतने रहा हो तो उल्टे हाथ से चल रहा है वो, तो देखो अब देखो। तो यहाँ पे अपना ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, और ये आ गए महाराज ट्रैक्टर लेके, अब इसको फिर से जोड़ के और खींच के लेके जाएंगे, लेकिन उसके पहले पानी पियेंगे, बहुत जोर से प्यास लगी और महाराज के पास पानी है। भाई साहब अभी है हम महाराज के ट्रैक्टर पे, स्वराज 735 पे, और एक चीज खास बात, मैं लाइफ में पहली बार चला रहा हूँ स्वराज, आज तक मैंने स्वराज चला के ही नहीं देखा, तो है ही नहीं, इसलिए चलाया नहीं, और किसी और का मौका भी नहीं लगा। तो ये स्वराज 735 है, हैप्पी सादा स्टेयरिंग है, और 39 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है ये। अभी जैसे देखो नाली वाली आएगी ना, तो ये बहुत जोर से करेगी, और इसमें तेज भी लगे, इसलिए देखो लोड मार रहा है, साउंड बड़ा प्यारा है इसका। और नो ले गए हमारे मामा श्री, वो देखो आगे उनके, एक तो टांगें छोटी हैं, पहुंचती नहीं है गियरों पे, पता नहीं कैसे चला रहे होंगे,
ऐसे सीट पे बच्चों की तरह आगे आ जाएंगे तब चलाएंगे। और अब आ गया खतरनाक वाला रास्ता, दिक्कत नहीं है। तो भैया खाद डल चुका है हमारा और अब जा रहे हैं वापस। और महाराज का खाद तो बहुत सारा है तो उसमें तो शाम हो जाएगी, लेकिन ट्रैक्टर महाराज का भी जा रहा है वापस। लेबर अकेली है जो खाद डाल के आ जाएगी और हम दोनों ट्रैक्टर लेके वापस जा रहे हैं, महाराज भी हमारे साथ जा रहे हैं। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं भैया, पसंद आई और लाइक कर दो। कुछ ज़्यादा ही मेहनत हो गई और अब तक खाना नहीं खाया हमने, समझ रहा हूँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ये धान की स्थिति देख लो, दो दिन से बारिश नहीं हुई, रात को ही हुई थी थोड़ी सी आधा घंटे, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और ये रखा अपना सामान ये भर के।